पतली कसूरी पैरी ना पूरी हाय रबावे मैनू टुरना पिया हाय रबावे सानू टुरना पिया ते उन्होंने उस्तादों को लो सिखा के सिखवा के शिक्षा दवा के फिर मामा नू रेडियो स्टेशन लाहौर दे विच भेजे। रेडियो स्टेशन लाहौर तो उन्होंने दो शब्द रिकॉर्ड किए ते ओ सुन के मेरे नाना नानी बहुत इंप्रेस हुए ते उन्होंने फिर मां नू अलाउ किया कि हाँ तू गा सकनी है पर पहले गुरबानी गाई। पंजाब टीवी देख रहे सारी दर्शकों का मैं मनतीर बहुत बहुत स्वागत करता। सो दोस्तों अगर पंजाब दे संगीत दे इतिहास की गल करिए कई नाम अजिहे ने जिन्हों की अज भी सुनना बहुत पसंद किया जाता है, चाहे वह यमले जट की गल हो, चाहे प्रकाश कौर जी की हो, सुरिंदर कौर जी की होर अनेक नाम ने। अगर हिंदी भी गल करते हैं चाहे गुरदास मान साहब हो, चाहे वह सतिंदर सरताज जी हो, कई अजिहे नाम ने जिन्हों की हर वर्ग सुनना पसंद करता है। पर जिथे सुरिंदर कौर जी की गल आती है सो अज असी जिस घर मौजूद है उन्हों का ही घर है, अज उन्होंने सपुत्री तो सारे जानते डोली गलेरिया जी उन्होंने मौजूद हैं। सब तो पहला वेलकम करते हैं। सत श्रीकाल मैम। सत श्रीकाल मैं हमेशा ही तरह तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो क्योंकि तुहानू बड़े बचपन तो तुहानू वेख रहे सीगे, तुहाडे गाने सुनदे सी ते अज तुहाडे नाल बैठे हां, सो साडे लई वी कमाण वाली गल हुंदी आ। थैंक यू सो मच, इह कह के तूं मैनूं खुश करता। मैम गल इह है कि ना जिहड़ियां गीत ने वह तो बेशक टीवी ते बहुत सुने पर जिहड़ियां कुछ गल्लां हुंदियां है सो मैं परसनली फील करदा कोई इंटरव्यू हुंदी है तो एक क्योंकि कलाकार सारे समाज का हुंदा ते उस उन्हां दी जिंदगी दे कुछ अजिहे पल जिहड़े कि वार सांझे नहीं हुंदे गे सो सांझे कीते जाण। मैम अगर सब तो पहली गल मैं नॉर्मली पूछा कि आई थिंक तुसीं पिछले 6 दशक तो इंडस्ट्री दे नाल जुड़े हुए हो, अपनी मम्मा नूं पूरा सुनिया, मासी नूं पूरा सुनिया, उस दौर ते इस दौर दे विच जिहड़ा बदलाव आया वह बदलाव नूं मतलब तुसीं किदां एक्सप्लेन करना चाहोगे? बदलाव तो एक जिंदगी का रवैया है, चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ सारे कहते हैं और सारियां नूं पता भी है और असी अपने जिंदगी दे विच ओ मुड़ मुड़ के देखी दा भी है, एक बारी नहीं कई बारी देख चुके हैं कि कई चेंजेस आए। एक इंसान की जिहड़ी स्ट्रगल हुंदी है उहदे विच ही वो बड़े सारे चेंजेस देख लैंदा है। पहला संगीत होर तरह गाया जाता सी, होर तरह उन्हूं प्रोड्यूस किया जाता सी, हुण संगीत दी शक्ल बदल गई है क्योंकि पहला गायक ते लिरिक्स दोनों चीज़ों नूं बहुत अहमियत दिती जाती सी। रिकॉर्डिंग्स मैं देखियां ने मामा दे नाल बैठ के जदों HMV दी रिकॉर्डिंग हुंदी सी मैं नाल जांदी सां, छोटी बच्ची सां और वो माहौल जड़ा है वो मेरे जहन विचों कदी भी नहीं जांदा कि सारे म्यूजिशियंस इकट्ठे बैठे हुंदे सन, आर्टिस्ट विच हुंदा सी, राइटर भी नाल बैठे हुंदे सन कि किते कोई गलत लफ्ज़ ना बोलिया जाए और गाने वाला पूरा कॉन्फिडेंट होवे कि उन्हें पूरी अपनी कॉम्पोजिशन की तैयारी होवे। इक्को वारी रिकॉर्डिंग हुंदी सी, जे 8 म्यूजिशियंस हैगे ने एक ने भी गलती कर दी तो री रिकॉर्डिंग हुंदी सी, वो फिर की हुंदा सी एक अद्धी गलती दे नाल हौली हौली होर चीज़ ना ज़्यादा रवां हो जाती सी और एक खूबसूरत पैकेज निकलता सी उहदे विचों, उहदे विच सारयां दी फील जुड़ी हुई सी। हुण ते बिल्कुल फर्क पै गया बटे, हुण ते असीं कल्ले जांदे आ रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे विच, अपना अपना ट्रैक गा के घर आ जांदे आ, सानूं पता ही नहीं कि मैंडोलिन वाले ने की वजाना या कीबोर्ड वाले ने की वजाना या रबाब हैगी है, जिथे गाने दी एक फील हुंदी है उहदे विच किहड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिदा है, उहदी फील जदों आउंदी है ना उदों सिंगिंग इंप्रूव हो जाती है, उस सिंगिंग वधिया हो जाती है। पर हुण ते ट्रैक दे मुताबिक सानूं पता ही नहीं लगता की हो रहा,
सो ओ फील गायब है, ओ फील गायब है। और इंस्ट्रूमेंट्स जड़े ने हूँ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जड़े ने असी अनफॉर्चुनेटली अपना कल्चर भुल के अपना संगीत भुल के वैसटर्न कल्चर वाल भजी जा रहे हैं। असी बीट्स सारिया इंग्लिश बीट्स फॉलो करन लग गए। मेरी माँ ने तो मैं याद है एक ढोलकी एक मैंडोलिन ते आसा सिंह मस्ताना अंकल की संगत हुंदी सी हारमोनियम वो बजाते सन और माँ गाँदी सी और सारी दुनिया के पता नहीं भी चक्कर लगाए होने ने उन्होंने और अज तक असी उन्होंने वो वाले गाने जड़े पुराने गाने ने वो सुन के ज़्यादा इंजॉय करने। बिल्कुल मैं मतलब इस तो बाद वो पुराने दौर से भी थोड़ा जा जाना है पर मैं उस तो पहले मैं एक गीत जरूर सुनना चाहवागा कोई भी जो तेरा दिल करता अपनी मदर का जो तू मतलब हमेशा ही लगता हो जो भी कितने स्टेज पर जाते ज कितने भी कोई डिमांड कदे इदा की अनफॉर्चुनेटली तू गाना पैंता कदे जाके तो पहला गीत मतलब पहला जुबान तेरा आही गाना आप माँ के गाने तो जितों तक मैनू याद है जिन्हें गाने उन्हें गाए वो सारे पॉपुलर हुए और उन्होंने सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है कि सुनावा मैं तुहानू जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रबावे मैनू टुरना पिया हाय रबावे सानू टुरना पिया जिन्ना रवां दी मैं सार ना जाना ओनी राही वे मैनू मुड़ना पिया ओनी राही वे मैनू मुड़ना पिया। क्या बात है मतलब ये वो गाने ने जिन्हों सुन के मैं मेरे आलू कंडे खड़े हुए है मैं मतलब रियलिटी है सामने बैठा बड़े मिठे लगते ने सोहने लगते ने गीत गाने पर मैं हाँ जी हाँ जी ये गीत जड़े ने ना साडे कल्चर दे नाल जुड़े ने एक माहौल क्रिएट हुंदा है इन्हां गीतां विचों और एक साड़ी सांझ पै जाती उन्होंने गीतों के नाल। तुसी हैरान हो गए बच्चे कि मैं दुनिया के विच किते मामा दे नाल भी गई हाँ कल्ली भी गई हाँ अपनी बेटी सुनैनी दे नाल भी गई हाँ। ये गाने जदों शुरू करीदा स्टेज पर ऑडियंस नाल गाण लग जाती है और किते तुसी बोल भुल जाओ कई बार हुंदा तुसी बोल भुल जाते हो या तुसी तीन अंतरियां की जगह दो ही अंतरे गाते हो तो ऑडियंस चो कोई उठ के शिकायत करता है कि तीसरा गन तीसरा अंतरा भुल गई है है उन्होंने याद होंगे मतलब उन्होंने जहन के गीत जड़े ने कार किए। मैं ये भी गल इतने एक ऐड करना चाहवागा शायद मैं आपके फादर साहब की वो जी जनरेशन है उन्होंने जवानी शायद उन्होंने तो भी पहले वाली जवानी जी होगी उदों के गीत ने पर मैं जब दूसरी या तीसरी पीढ़ी का बंदा मैं मैनू भी सुन के आनंद मिलता है चंगे लगते हैं। मैम अगर आप मदर की गल करिए आई थिंक 47 तो पहले ही उन्होंने गाना शुरू किया होना है 43 तो शुरू किया सो उस समय वो सारा दौर है वो 47 तो पहला दा एक गायकी नू कला नू किस नज़रिए नाल वेखदे सीगे कि तुहाडे नाल तां गल्लां सांझियां कीतियां होणियां किद्दां वेखदे सी अज तां देखिया तां कलाकार नू बड़ी मान इज्जत मिलदा कि उदां भी उदों भी इदां ही सी। उदों ते माहौल बहुत डिफरेंट सी असीं बड़े कंजरवेटिव पंजाबी सां साडी फैमिली सारी मेरे नाना जी सारे बहुत कंजरवेटिव सन माँ गाने की इजाजत भी नहीं सी दी गई बट मामा दे ब्रदर्स मेरे दो मामे उन्होंने जदों देखा कि ये काबिलियत है कि यह गा सकती है तो उन्होंने दो उस्तादा नू घर इनवाइट करके माँ नू शिक्षा दिलवाई वो शिक्षा दिलवाई कि एवें ना कोई सोचे कि एवें ही गाई जाती है जिवें कुड़ियां घर गांदियां रहिंदियां ने लोक गीत ढोलक वजाई तो हर विआह दे विच कुड़ियां गांदियां रहिंदियां ने बट इहदे विच कोई खास गल है तो उन्होंने उस्तादों कोलों सिखवा के शिक्षा दवा के फिर मामा नूं रेडियो स्टेशन लाहौर दे विच भेजिया। उदों जमाना यह सी कि कुड़ियां नूं ते गाना और पब्लिकली गाना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं सी सो ये तो मैं समझदी हाँ कि मेरे मामे और घर दे सारे जिया ने यह सोचा कि माँ दे विच कोई खास गल है और जदों उन्हें गुरबाणी गानी शुरू की रेडियो स्टेशन लाहौर तो उन्होंने दो शब्द रिकॉर्ड किए तो वो सुन के मेरे नाना नानी बहुत इंप्रेस हुए तो उन्होंने फिर माँ नू अलाउ किया कि हाँ तू गा सकनी है पर पहला गुरबाणी गाएगी या लोक गीत गाएगी सड़के सड़के जाती है मुटियारे नहीं साडा चिड़िया का चंबा ये गीत जड़े सन ये गीतों के मैं बोल रही हाँ ना तो मेरे अपने लू कंडे हो रहे हैं क्योंकि मैनू उस गाने की फील जी है ना वो
वो तुहानूं कुछ एक दूसरी दुनिया दे विच पहुँचा देंदी है। एक तुसीं अपनी ओरिजिन नूं पहचानन लग जांदे हो। हुण मैं की दसां कि किहो जिहा माहौल होएगा माँ वास्ते कि वह गाण हाकी हुंदी सी और घरों इजाजत ना मिलती सी ते वह परेशान हो जाती सी। बट जदों लाहौर रेडियो तो रेकग्निशन मिली तो फिर तो तड़ातड़ शुरू हो गया, वो दौर शुरू हो गया कि माँ नूं फिल्मां तो ऑफर आनी लग गई। एंड अनफॉर्चुनेटली 43 दे विच 12-13 साल दी सी ते पार्टीशन हो गया। पार्टीशन तो बाद इत्थे जदों इंडिया विच आए तो मेरे फादर प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढी उन्होंने माँ की शादी हुई 1948। वो एक पढ़े लिखे इंसान सन तो उन्होंने माँ की कदर बहुत बहुत सहज तरीके दे नाल कीती। बड़े प्यार नाल माँ नूं बॉलीवुड बॉम्बे लैके गए और उत्थे जाके गुलाम हैदर साहब तो बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना माँ का गीत शहीद फिल्म दे विच आया और फिर तुम्मा पै गई। हाँ जी आ गई गड्डी ते बट मैनू अजे तक मैनू थोड़ी नॉलेज है कि शिव कुमार बटालवी साहब नाल भी बहुत नज़दीकियाँ रही ने। तो एक मैं देख रहा सी तुहाडा यूट्यूब पर स्टेज शो कर रहे सी, एक जिक्र किया सी कि इंसीडेंट का, सो इंसीडेंट है कि एक्चुअली तुसी बड़ा शॉर्ट दे विच दस्या सीगा किदा वो गीत उन्होंने कोले बह के जिहड़ा शिंगार रस का गीत सी किदा लिखिया वो। शिव बटालवी दे नाल ते दर्जी ते मेरे फादर ते माँ की बहुत ही प्यारी जी निघी जी सांझ सी क्योंकि वह दिल्ली जदों आते सन तो आके साडे घर ठहरते सन। उत्थे गीतां दी पूरा वेरवा किया जाता सी कि वह माँ वास्ते कि गीत चुन के लैके आए ने ते वह हमेशा यही कहिंदे सन कि मेरे गीत जिहड़े शिंगार रस दे गीत ने वह जदों सुरिंदर गाँदी है माँ नूं लाड नाल वड्डी भैन सुरिंदर कहिंदे सन कि जदों सुरिंदर गाँदी है तो मेरे गीतां नूं एक मुकाम मिलता है, मेरे गीतां दा एक मतलब बनता है कोई। और हीरे हीरे आखे मुंडा लंबड़ा दा और नी एक मेरी अख काशनी ये गीतां दा जदों सिलेक्शन हो रही सी मैं भी उत्थे हैगी सां और मैं देखिया कि बैठ के बढ़िया डिस्कशनस कर रहे ने ते मेरे फादर कोलों वो गीतां दी करैक्शन भी करवांदे हुंदे सन कि जिहड़ा गीत गाण जोगा है माँ दे वास्ते वो गीत मैं सिलेक्ट करदा, तू दस तू की लैके आया तो मैं सिलेक्ट करांगा। तो वो दारजी की बहुत इज्जत करते सन क्योंकि दारजी एम ए पंजाबी सन और लिटरेचर के माहिर सन और आलम फाजन सन, बहुत पढ़े हुए पढ़े लिखे इंसान सन और एक ऐसी शख्सियत सी जिन्हों हर एक कोई बहुत इज्जत करता सी। और शिव तो दारजी वड्डा वीर कहते सन तो उन्होंने कहा यह गीत है नहीं एक मेरी अख काशनी तो ये बोल देखो मैनू लगता एक बोल तुहानू पसंद नहीं आना। तो दारजी ने क्या वो द्योर का किस्सा आंदा जिदे विच द्योर की शरारत बारे कुछ छोटा जा एहो जा लफज सी जिहड़ा दारजी ने कहा ये मैनू लगता ये ना ये विचों कढ़ दई है। एंड शिव एग्रीड, उन्होंने दारजी की गल मनी तो एक मेरा द्योर निकला भैड़ा गोरियां रन्ना का शौकी टुक टुक नेड़े बैठदा रख सामने रंगीली चौंकी। तो इहनू राइम किया, इन्हां लफ्ज़ां नूं पूरा मीटर किया और फिर माँ ने वो रिकॉर्ड किया। अज तक असी यह गाना इंजॉय करने हैं। बिल्कुल बड़ा नोटी जहा गीत है ये तो मैं कहना कि इत्थे तुसी प्लीज दो लाइना अगर हो सकदी है तो ये भी सुना दो। नीक मेरी अख काशनी, नीक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे ओ दूजा रात दे नींदरे ने मारिया शीशे नू तरेड़ पै गई वाल वौंदी ने ध्यान जदों मारिया नी इक मेरी अख काशनी इक मेरा द्योर निकला इक मेरा द्योर निकला पैड़ा गोरियां रन्ना दा शौंकी टुक टुक नेड़े बैठदा रख सामने रंगीली चौंकी नी ऐसे गल तो डरदी नी ऐसे गल तो डरदी अजे तीक वी ना कुंड नू उतारिया नीक मेरी अख काशनी। बात है कोई लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ नहीं है ना गीता का गल कंत दी गल सस दी गल तो वह ना एक घरोगी जहा माहौल तो हर
कुड़ी नू ए गल बड़ी जचदी है नो एंड हर एक नू लगदा ए शायद मेरी कहानी है। मैं एक गल मेरे दिमाग दी चा रही सी मैम कि बड़े नोटी गीत पर किन्ने प्यारे लगते हैं, किन्ने सुनने नू चंगे लगते हैं। सो अगर मैं गल करा कि जिहड़े इह गीत ने मैं जिवें मैं आपदी गल कीती है मैनू भी सुनने चंगे लगते, मेरे नाल दे नौजवान किन्ने होणगे जिहड़े चंगे गीतां नू पसंद करदे होणगे। गीतां नू पसंद कीता जांदा, रीमिक्स भी इहनां नू कर दित्ता जांदा क्योंकि डिमांड है, ता ही रीमिक्स होंदे ने, रीमिक्स कीता जांदा। पर जदों नौजवान आप गीत करदा कोई ता उदो क्यों इन्ना वायलेंस जां क्यों इन्ना मतलब उस ट्रैक वल ओह तुर जांदे चाहे लिरिक्स दे रूप ते चाहे ते क्यों मतलब किदां? मैं बिल्कुल नहीं एग्री करदी क्योंकि संगीत जिहड़ा है, संगीत एक मुहब्बत दा नाम है, संगीत इश्क दा नाम है। संगीत दे विच जदों तुसीं सुरां दे नाल इश्क नहीं करोगे तुसीं गा ही नहीं सकते। पहली गल ते है इह उस्तादां दीआं गल्लां ने जिहड़ियां साडे ज़हन दे विच घर कीतीआं होईआं ने, क्योंकि संगीत दे विच सुकून मिलना चाहिए। संगीत दे विच कोई रौला या लड़ाई झगड़ा इत्थे कोई लड़ाई थोड़ी हो रही, गाने तुसीं गा रहे हो, कोई किसे नाल वितकरा, कोई किसे नाल रिवेंज, कोई पुरानी दुश्मनी संगीत दे विच इहदा कोई वास्ता नहीं। असीं तो संगीत ना इहो जिहा सुणिआ ना सिखिआ, तो ये पता नहीं एक दौर जिहा जिहड़ा बंदूकां शंदूकां दा दौर अज कल सुणन नूं आंदा है, यह दुखदाई है, यह बहुत दुखदाई है, यह साड़ी फितरत दे खिलाफ है। असी पंजाबी तो वैसे ही टोल टमका एक पासे कुते टोल वाला घर आ जाए ना, वो लोहड़ी मंगन लई आ जाए तो असी घर दे नचन लग पईदा, सानू तो टोल वजन दी टोल दी रिदम दे नाल साडे पैर थिरकन लग जांदे ने। असी पंजाबी तो रौनकी लोग हाँ, खाण पीण वाले, इंजॉय करन वाले, और ये साडा संगीत नहीं, सारी दुनिया दा संगीत जिहड़ा है वो सिर्फ मुहब्बत है। और जिहड़े लोग यह समझ नहीं पाते वह फिर गलत राय तुर पैंदे ने। इस गल का मैनू दुख लगता बड़ा क्योंकि इन्हां नू कोई समझाण वाला नहीं, इन्हां ने कोई गुरु नहीं तारण किया, इन्हां ने गुरु की सेवा बैठ के गुरु के चरणों के बैठ के उहदियां असीसां नहीं लईआं कि वह तुहानू दसन कि बच्चे यह गलत है यह ठीक है। गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। मेरा होंद, मेरी पहचान मेरे गुरु की ट्रेनिंग तो डिपेंड करती है। मैं माँ नू अखीरले दम तक, मामा 76 दी सी जदों उहदी डैथ हुई, मैं 70 साल तक माँ नू वक्रे वक्रे उस्तादां दे नाल बैठ के उन्हां कोलों सिखदियां देखिया टिल 70 ईयर्स। और वह रियाज भी करती सी, एंड दे विच आके जदों पैरालिसिस दा अटैक होया उस तो बाद वो थोड़ी जी हो गई सी इस तरह, हाले भी उहदा जी करदा सी कि मैं गावां। और कोई उस्ताद वड्डे वड्डे उस्तादां ने साडे घर आ के रहना, खां साहब मेहदी हसन, गुलाम अली भाई, नुसरत फतेह अली, सलामत नज़ाकत जिहड़े पाकिस्तान दे इन्ने मशहूर उस्ताद होए ने, उन्हां वर्गा कोई दूसरा है नहीं, वह लोग आके साडे घर दे विच रहिंदे सन। और उस्तादां दीआं गल्लां सुननियां, उस्तादां कोलों हासिल करना अच्छिया अच्छिया सोहनिया गल्लां, और संगीत दीआं गल्लां सिर्फ प्रेम मुहब्बत दीआं। साडा कोई वास्ता नहीं हुंदा सिंगर वन टू अनदर कि अलग अलग फैमिली वाले लोग हुंदे ने, पर जदों इकट्ठे गीत गाते ने ना वो सारे एक हो जाते हैं क्योंकि वह सुर का स्वाद हुंदा। बिल्कुल संगीत प्यार दा नाम ही हैगा। पर मैं एक गल वेखी है, तुहाडे मदर की गल की जाए, बेशक उन्होंने वैसे तो बहुत छोटे होवांगे जो सानू पता लग्या होना कि अच्छा जी सुरिंदर कौर जी टीवी पर जो सुने है, जो थोनू वेख्या हैगा, जो तुहाडी बेटी भी मैं देखा वह भी जो गाँदे ने, बिल्कुल तो मैं वेख्या कि तुहाडी जिहड़ी लैगसी है, सारा परिवार एक चल रहा है, उहदे विच दिखावा नहीं है ना, संगीत दे विच कोई दिखावा है। सो अजकल बड़ा एक ट्रेंड चलता पाया कि बाउंसर्स होने चाहिए ने, जां मतलब एक दिखावा होना चाहिए, मतलब एक तो एक ट्रेडमार्क बन लगे, मोहर लग गई कि अगर सिंगर उही है जिदना 8-10 बाउंसर होण उही सिंगर है। बट तुसीं एक बड़ी सोहनी गल कीती है कि गुरु नहीं होंदा बट वह सिंगर, फिर इन एक्चुअल दे विच इत्थे कसूर की हुंदा कि इंडस्ट्री का ही कसूर है कि स्रोतियां का ही इत्थे विच तुसीं मनदे हो इस चीज़ दे? जितों तक मैं फील करनी हाँ, तुसीं बहुत छोटे हो मेरे बच्चों वर्गे हो, मैं जो देखा है और जो मैं फील किया है वह है कि जमाना ना पैसे की दौड़ पिछे पै गया, कमर्शलाइजेशन हो गई है, हर एक चीज़ नू कमर्शल कर दिता है, हर एक चीज़ का कोई नवी चीज़ निकलती है उहदा पहला ऐड आ जाता है, ऐड दिखाई जाते हैं टीवी पर, वो तुसी ना भी लैनी हो तो यू गैट अट्रैक्टिड।
सो जिहड़े सिंगर्स ने अपना वीडियो पा दें तो वीडियो दिखा दिखा के तुम लोगों को फोर्स करो कि ऐसा साडा देखो यू नो कमर्शलाइजेशन एंड वट इज़ द एंड रिजल्ट मनी उन्होंने चैनल वाले नू पैसे दे के अपना गीत उत्थे शो करवाना चैनल का काम भी चल रहा है क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी हो रही है वो समझता कि मेरे शोज़ मेरे वीडियोज़ टीवी पर आएंगे मैं होर शोज़ मिलेंगे मैं परफॉर्मेंस होर करन दा मौका मिलेगा एंड एंड दे विच सिर्फ इट्स द मनी गेम असी मैं नहीं सीखा है मैं नहीं सीखा मैं अपनी माँ को नहीं सीखा उन्हें संगीत नू ना एक इबादत मनिया साढ़े वास्ते संगीत एक इबादत है कि असी वाहगुरु का नाँ लैके मेरा बाबा जी का कमरा उपर है उपर माहौल है वे कि मेरे सारे साज पए ने अंदर वड़द्या अगरबत्ती जला के जुत्ती ला के सिर ढक के तो तुसी बैठ के रियाज करदे हो और रियाज जिहड़ा है वह रब दे नाल मिलन दी इट्स अ मैडिटेशन जो तुसी उस माहौल दे विच कम कर रहे हो गा रहे हो गीत ऐसा बना रहे हो कि जिहड़ा लोग सुन के खुश हो तो फिर वो कमर्शलाइजेशन का कितने आता कोई तुहानू नहीं कोई फिक्र कि मेरा गीत किसी नू पसंद आए या ना आए अपने दिल नू पहला तसली होनी चाहिए कि मैं अपने गुरु नू प्लीज़ कर सकनी हाँ कि मेरा गुरु मेरा गीत सुन के खुश है फिर मैनू कोई सुने कोई ना सुने मैनू दुनिया ते कोई फिक्र नहीं है ना ए नहीं है कि तुसी गीत गाओ तो कहो जी लियाओ 10 लाख रुपया लियाओ तो मैं गाँनी हाँ ये की गीत होया ए संगीत की होया असी यह सीखा नहीं पर अनफॉर्चुनेटली जिन्ना लोगों का प्रोफेशन यही है म्यूजिक दे वास्ते और गुरु दे कोलों ये सीखा कि जो गुरु को तालीम लैनी है तो गुरु दक्षिणा देनी है वो तुहाडे दसवंध होना चाहिए तुहाडी हक हलाल की कमाई होनी चाहिए है गुरु एक्सैप्ट भी ताई करता है गुरु तुहानू दुआवां भी ताई देंदा है कि तुसी हक हलाल की कमाई हेरा फेरी करके नहीं मतलब शोज ते लखां रुपया लैके तो अखीर दे विच गुरु नू तुसी दसां विचों एक भी ना दिओ अपनी जेबां भरी जाओ की जिंदगी विच की है वॉट यू नीड इन लाइफ तुहानू सुकून चाहिए होंदा है ना मैं हुण इस उम्र च आके जे इह गल्लां करांगी ते लोक ही समझ गए ए हुण ना वड्डी उम्र दी हो गई हुण इहो जिहां भगती संगीत दीआं गल्लां करदी है मैं शुरू तो ही इहो जिही सां मैं 14 साल दी सां ते मैं घर सिर ते चुन्नी लै के चौंकड़ी मार के ते मैनूं पता नहीं सी कि इह बाणी है या भजन है या कोई होर चीज़ है मैं सुनन दे विच एंड बैठ जांदी सां ते माँ ने मेरा मजाक करना है साडे घर भगतनी कित्थों आई है वह एक रूह भी होनी चाहीदी है एंड मैनू लगता कि मैं वाहिगुरु का लख लख शुक्र करती हाँ कि मैनू इस घर के पहला पैदा किया जिथे मेरा बाप आलम फाजल सी पढ़िया लिखिया इंसान सी जिन्हें जिंदगी नू असली जीन का तरीका सिखाया और दूसरी मेरी माँ सी जिन्हों संगीत की देवी बना के उन्हें भेजा मैं उन्हों की बच्ची बन के इस दुनिया के आई हाँ तो मेरा फर्ज है कि मैं उस रीत नू अगे उस तरीके साफ सुथरी तरीके जोड़ा एंड दैन आई एम वेरी लकी कि मेरा हसबेंड मेरा सिर दा साई एक फौजी अफसर जिन्हों और कोई मतलब ही नहीं है उन्होंने मेरी शादी तो बाद पहली गल जी मेरे नाल कीती हैरान होवांगी मैं कभी क्या नहीं टी वी ते कि मैनू कहंदे ने कि मेरे वास्ते सब तो पहला इज मेरी ड्यूटी मेरी नौकरी जो मैं देश की सेवा कर रहा मैं एक फौजी अफसर हाँ बाद घर दियाँ गल्लां आणगियां तो तू मैनू उस तरह दिया जनानिया वाली गल्ला ना करी कि मेरे घर का है राशन खत्म हो गया जी हूँ अच्छे कपड़े चाहिए ने जी यह जी गल मैं नहीं सुनिया मैं एक फौजी हाँ सो वो ट्रेंड जो घर भी अगों मिल गया सो बंदे दी थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट हो जाता कहते बेटी ने नहीं क्या ममा भी मतलब कि लोग कि जो मैं सिंगर की गल की है जो शानो शौकत दिखाते ने कि आप भी उदा का करिए कद उन्होंने फोर्स नहीं किया इदा तू देख ला मेरा घर इट्टां लगियां ने और मैं तो इस दिल्ली तो जो इतने पंचकूला आई हाँ मैं कर्नल साहब नूं एक ही गल कही कि मैनू तो एक ब्रिक हाउस चाहिए मैनू कोई मार्बल लगे तो सोने चांदी दी चीज़ां मेरा सिंपल लिविंग है बिल्कुल मैं जिथे जाती हाँ जिस शहर दुनिया के जाती हाँ एक छोटा जहा तोहफा लै आनी हाँ एक निक्की जी चीज़ होर कुछ ना हो तो मैं कैंडल्स लै आनी ये दीवा जलता रहे यू नो मेरे को घर तो घर 150 कैंडल्स ने सारी दुनिया दी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कलैक्टिंग दैम वो मैं एक अंदरों की एक जोत हैगी है अंदरों की एक थॉट ये वड्या ने ही सिखाया होना ना मैं आपे तो नहीं आई पर मैं वड्या को बैठी हाँ ता ही ना जो तुम वड्या को बैठ के कुछ नहीं सीखना स्कूल लैवल तो ही बच्चे यू नो फरार हो जाते हैं
यू नो भैड़े कम्मां 'च पै जांदे ने, भैड़ी सोहबत 'च पै जांदे ने। और कई बार मैनूं इह वी गल किसे ने कही कि तैनूं रोज़गार की कमी नहीं सी, क्योंकि तू एक ऐसी माँ की बेटी सें, एक ऐसे हसबेंड की बीवी है, तैनूं रोज़गार की लोड़ नहीं। पर जो रोज़गार करके ये काम करते हैं वो फिर कमरशलाइज हो जाते हैं, ए कोई शक नहीं है। औरत नूं ते पहला एक ऐसी नज़र नाल ही देखा जाता कि औरत स्टेज पर जो गई तो वह वनरेबल है कि नहीं। आई मीन पहली नज़र जी जाती है कि भई यह कुड़ी गाने लगी है, इनू घरों पता नहीं की माहौल होएगा, एंड यह क्यों आ गई स्टेज पर, पैसे कमान आ गई है ना, पहली गल है। फिर शी इज़ फिजिकली ऑलवेज मेड अट्रैक्टिव कि वह एक नवे फैशनेबल होवे, बड़ी ट्रेंडी होवे, और वह गीत इहो जिहे चुलबुले गाए कि लोगों को अट्रैक्ट कर दे। औरत का नज़रिया लोगों के विच ए वेर इज ए गलत है। जो जिहड़ा एक संगीत दे स्टेज दे उत्ते चढ़ के भगती कर रहा है, वो कि मेहनत करके तो स्टेज पर आई है, वो की हालात ने, वी डोंट नो वट एवर कंडीशन, वो गरीब घरों है, वो दे घर होर कोई कमाण वाला नहीं है, इट कैन बी मैनी रीजनस। मुंडिया का है वे कि मुंडे जो मर्जी कर लैन, कुड़ियों को तो हमेशा ही थले दबाया जाता है कि ए नहीं ठीक, ए नहीं ठीक, तुहानू ए नहीं करना, कंडीशनस लगाई जाती है। मुंडिया वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं, मुंडे अपना एल्बम नवा कढ़िया, वो लखां कंपनियां कोल जा के फिर के अपनी प्रमोशन कर दे, कुड़ियां कित्थे जा सकदियां, असी कित्थे घरों निकल के म्यूजिक डायरेक्टरां दे घर जाके किसी तरले करके जी साडा रिकॉर्ड कढ़ो, इस तरह नहीं होंदा। सो दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस कि औरतां नूं इह प्रॉब्लम सदा आई है, और रब करे कि ख़त्म हो जाए। हाँ, बड़ी कोशिश करी दी है कि औरतों का साथ देने वास्ते खड़े होइए, बट साड़ी सोसाइटी यह जी है कि उहदे विच विमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड कि दे नीड हैल्प। प्रोटेक्शन चाहिए है औरत नूं, बंदे की प्रोटेक्शन चाहिए है, तुहाडा बाप, तुहाडा हसबेंड, तुहाडा भाई, तुहाडा बेटा, ये चारों का होना बहुत जरूरी है औरत वास्ते। ऐ नहीं कह सकते कि नहीं जी मैं तो बराबरी ते हाँ, यू नो मैं कई अपन फ्रेंड्स नू देखिया कि वो प्रोटेस्ट कर दिया सन कि मेरा आदमी मैनू यू नो कंट्रोल दे विच रखदा, मैं 50-50 50-50 हो, हाँ मैं मैनू क्यों इस तरह कोई कहता, वो थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। 50-50 का यह नहीं मतलब कि तुसी मतलब जे वो 2 लाख की कमाई करता तो मैं भी 2 लाख की कमाई करनी है, मैनू कोई कुछ नहीं कह सकता, यह नहीं है। यू नो वी हैव टू एक्सैप्ट साड़ी होंद रब ने इस तरह ही बनाई है कि सानू प्रोटेक्शन की लोड़ है। तुसी एक गल की है ना कंपनी की गल की कि ऐड की कदे थोड़ी लाइफ के कदे इदा एक्सपीरियंस होया कि तुसी कोई गाना किया होवे, तुसी भी उन्हों रिलीज़ करन लई किसी प्लेटफॉर्म दी तुसी लभ्या होवे, पर उतों जो रिप्लाई आया तो लग्या भी यार जो गाना डिजर्व करता सी, जो ये चीज़ डिजर्व करती सी, बट वो इंडस्ट्री दे नहीं रही, वो पैरल एक होर है जिदे विच कुछ भी नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ दे रही है। यह तू कहना एक बार मैं लगता है हमेशा यही होंगे। मैं 48 एल्बम्स कटे, मेरा अमृतसर दे पापड़ एक ही एल्बम मशहूर होया जिन्हों प्रॉपर प्रमोशन मिली, मैगना साउंड कंपनी ने लगाया निकालिया सी, बट वह सारा खर्चा मैं आप किया, मैं अपनी कमाई तो किया, मैं किसी को नहीं सी लिया, मैं किसी कंपनी को नहीं सी लिया, मैं आप खर्चा करके आप कमा के वो एक स्टोर दे विच रखिया सी। आई स्टार्टेड दैट, और किसी ने सुनिया हो जिन्हों पसंद आया, उन्हें मैगना साउंड नूं अप्रोच किया तो उन्होंने एक्सैप्ट किया और खुद प्रमोट किया। बट 99.9% कंपनियां वाले तुहानू प्रमोशन वास्ते बहुत तड़पाते हैं, रिजैक्ट कर देंगे। जे मैं किया कि मैं सोलो एल्बम एक किया, नॉन स्टॉप म्यूजिक का एक एल्बम किया, कंपनी वाले को गल की कि एक रिकॉर्डिंग की है, पता लग जाता है सारे कंपनी वाले कि रिकॉर्डिंग कितने हो रही है, कितने हो रही है, तो वह भेजते हैं किसी को, तो कहते हैं कि ठीक है सानू गीत पसंद है, पर चंगा होंदा जे तुसी इहनू डुएट गाया होंदा। अच्छा, तो जे मैं एक डुएट एल्बम तैयार करता तो कहने लगे नहीं ए नहीं ठीक, तुसी ना इस तरह करो, थोड़े जे ना ट्रेंडी गाने गाओ। तो मैं इरीटेट हो गई, मैं क्या ट्रेंडी की होंदा, वट इज़ ट्रेंडी, ट्रेंड तुसी आप बनाना होंदा। हाँ, लोक गीतां विच की ट्रेंड है, लोक गीतां दे विच नचण टप्पण दी शादियां दे गीत ने, जिहदे विच हर ढंग दे गीत ने, किताबां भरियां ने, किताबां लिख दित्तियां ने। हुण मैं एक किताब बनाई, मैं हरियाणा पंजाबी साहित्य अकैडमी दे विच उन्होंने मैनू कन्वीनर बनाया सी, और असी
हरियाणा दे विच पंजाबी लोक गीतां नूं लभिया। 8-10 फील्ड वर्कर्स नूं असीं पिंडां थावां विच भेजिया। एंड बच्चे यू वुड बिलीव कि 80-80 साल दीआं जनानियां ने पुराने पुराने लोक गीत सानूं सुनाए। मैं उन्हां नूं सारिआं नूं इकट्ठा कंपाइल कीता। मेरे नाल मेरी पूरी मदद कीती डॉक्टर करमजीत सिंह, बहुत वड्डे प्रोफेसर ने जिहड़े कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ाउंदे सन। असीं रल के वो किताब दे विच 2100 लोक गीत लभे। 2100 लोक गीतां दी वो किताब बनी। हुण गीत लभ के तुसीं फिर उन्हूं गाउंदे हो, अगला कंपनी वाला कहने जी है तो ठीक नहीं है, यू नो दिस इज ऑस वेरी बैड। तो यह जरा पैसे की होड़ है ना, ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, पैसे की होड़ खत्म होनी चाहिए है। समा भी उपर जा रहा है, तो मैं मतलब आखिर के तो अमृतसर के पापड़ मैं गीत सुनना, तो उस तो बाद आप दर्शकों तो अलविदा लेनी है। अमृतसर के पापड़ तो ही रह गया, होर तो गीत हजारा गा दते। अंबरसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, अंबरसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू करे ना आकड़ वे मैं सेंदी ना, छना छनक तेरी बोधि मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे हाथ, जे तू रखना है रख, जे तू कढ़ना है कढ़। मैयों तेरे नल वसियां के होर कोई वसे भी ना, मैयों तेरे नल कटियां के होर कोई कटे भी ना। ओ क्या बात है, यह गीत हमेशा अमर रहेंगे। तुहाड़ी आवाज़, तुहाड़ी मम्मा की आवाज़ ये हमेशा अमर रहनी है। पर जाते मेरे एक लास्ट आखिरी सवाल मेरे जहन दे विच आया, तुसी जिक्र किया हुण इंटरव्यू दे विच भी खान साहब जां पाकिस्तान दे विच उस्ताद जिहड़े लोग सी उह तुहाडे नाल संपर्क दे विच रहे, कोई इहो जिहा इंसीडेंट जिहड़ा लगदा वी हमेशा लई यादगार बन गया? बहुत सारे खान साहब सलामत अली, नज़ाकत अली दिल्ली आए सन, 60s की गल होनी है, तो साढ़े घर आए तो कह लगे कि सानू बुलाया है किसी ने इत्थे शो वास्ते, पर असी हिंदुस्तान दे विच किसी नू इस तरह परसनल लैवल ते नहीं जानते। असी तो बीबी सुरिंदर कौर दे घर जाना, उन्होंने सुरिंदर कौर दे घर लाया है। मैं बहुत छोटी जी सा, वो लोग 10 जने सन, क्यों कवाली स्टाइल सी उन्हों का और क्लासिकल गाँवते सन, तो उन्हों का ग्रुप हुंदा सी पूरा। 10 जने साढ़े घर आ गए, सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब, दोनों ब्रदर्स, तो साढ़े घर तो इंज हो गया जिमें कोई विआह रचिया गया। वो आके ठहरे और उन्होंने शाम का शो सी, ये लोग सवेरे आ गए 10-11 बजे के करीबन, सारा दिन खाना पीना और संगीत चलता रहा। और जो शो तो बाद असी वापस आए तो कह लगे हूँ महफिल कर दी होएगी, वो हारमोनीयम लैके बैठ गए। तो कैन यू इमेजिन कि मैं 10-11 साल की, तो मैं कहने ने हूँ तो असी डॉली बीबी को गाना सुन, बीबा जी आ जाओ मेरे को, बिठा लिया मैनू अपने कोल और मैनू गाना गाने क्या, तो मैं गाना पता की गाया, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी। मैं हूँ याद करनी हाँ तो सोचनी हाँ कि मैं किन्नी बुद्धू सा या पागल सा कि मैं पता ही नहीं कि मैं किड़े वड्डे विस्ताद दे सामने उन्होंने यह फिल्मी गाना सुना रही हूँ। पर यह गाना तो लता जी ने कमाल दा गाया सी, टिल टुडे दिस सॉन्ग इज़ एब्सोल्युटली मैसमराइजिंग। तो वो याद कभी मेरी छोटिया सिस्टर्स कई बार कहने ने कि असी किन्ने नादान सा, किन्ने भोले सा, कोई यहोजी गल्ला मन दे विच नहीं कि उस्ताद होंगे तो होंगे, मैनू की पता, मैनू गाने लई कह रहे ने तो झट गा दिता। सो यह जड़ा एक हैजिटेशन नहीं सी हुंदी, एक नैचुरल कॉन्फिडेंस जहा हुंदा, क्यों माहौल यहो जिहा सी कि एकदम गा दिता। उन्होंने इन्ना प्यार दिता, फिर मैनू जिंदगी दे विच कई बारी मिले, एक बारी टोरोंटो शो ते मिले ते उदों उन्होंने मैनू प्यार किया, बहुत बहुत प्यार किया, और कहने लगे ये बच्ची तो छोटे हुंदिया तो इन्हें उन्होंने याद सी, गाना भी याद सी, कहने लगे इन्हें छोटे हुंदिया मैनू गाना, मैनू तो पता सी ये गाएगी, जरूर गाएगी, जिन्हें इस एक झट एकदम बगैर बेझक होके यह गल की। सो यहोजी गलों तो बड़िया उही है ना, भोले भाई गुरु दी रहमत मिलदियां ने। सो थैंक यू वेरी मच, तुसी इन्ना समा दिता तो बहुत अच्छा लग्या तुहाडे नाल गलबात करके। एक ना ओरा हुंदा तुहाडा, एक ओरा, एक मैनू भी बहुत सारा उन्हें कुछ सीखण नूं दिता हैगा, तो उम्मीद करते हैं कि तुहाडे तों सीखदे जाईए तो आने वाली पीढ़ी भी तुहाडी गायकी तो जिहड़ी तुसी गल्लां कीतियां गायकी बारे खास करके किदां दी गायकी होनी चाहिए, खास करके तुसी गल की संगीत तो प्यार दा नाम है, वो वाकई वह सच्चाई है तो समझनी भी चाहिए है। सो थैंक यू वेरी मच मैम।
जीते रहो, जीते वसते रहो और गाँवते रहो। सोहना संगीत सुनो और साफ तो सुची नज़र के नाल सुनो तो समझो, अच्छे लिरिक्स सुनो, अच्छा चुन के संगीत गाओ और संगीत की तालीम लए बगैर, गुरुआ तो बैठे बगैर संगीत दे विच कदम ना रखो प्रोफेसनली।